इस पराठे के आगे सारे पराठे भूल जाएंगे, चाहे वो आलू के पराठे हो, गोभी के पराठे हो या फिर पनीर के पराठे। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ ब्रोकली पराठे की रेसिपी, जिसमें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूँ पिंकी और आपका मेरी किचन यानी कि माई किचन में स्वागत है। तो इस पराठे के लिए हम थोड़े से पनीर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध को बॉयल होने को रख दिया है। दूध जब बॉयल हो जाए तब हम यहाँ पे डाल देंगे वेनेगर या फिर लेमन जूस या फिर छेना पानी। मैं यहाँ पे छेने पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ दूध को फाड़ने के लिए। तो ये जब बॉयल हो जाए तब डाल देना। और ये देखिए बहुत अच्छे से छेना निकल गया यानी कि कॉटेज चीज़। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। घर का बना कोई भी चीज़ अच्छा होता है तो घर में ही पनीर निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेन होने के बाद अब हम एक दूसरी तरफ कढ़ाई ले लेंगे और उस कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब तेल और इसे गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और इसे स्प्लैटर होने देंगे। जीरा जब स्प्लैटर कर जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दीजिए जितना आपको लगे। और 1 चॉप्ड किया हुआ अनियन और फिर हम इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। प्याज जब इतना फ्राई हो जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर डाल देंगे और रेड चिली पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। और फिर इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप के करीब ग्रेट किया हुआ ब्रोकली। इजली ये ग्राइंड भी हो जाता है या फिर आप ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं और इन्हें इनके साथ डाल देंगे। और अब हमें ब्रोकली को भी फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। तीन से चार मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे 1 बॉइल्ड किया हुआ पोटैटो, इसे मैश कर लेंगे और फिर इसे भी हम ब्रोकली और बाकी के मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे छेना जो हमने फाड़ करके रखा था, उसे भी हम इन सब के साथ डाल देंगे और इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम यहाँ पे कर देंगे गैस स्टोव को बंद और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बोल में मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड किया हुआ कोरिएंडर लीव्स, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये ऑप्शनल है लेकिन इनसे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और चिली फ्लेक्स ये भी ऑप्शनल है बट डालिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 स्पून के हेल्प से। अब हम एक रोलिंग बोर्ड में थोड़ा सा आटा को डस्ट कर लेंगे और आटे का एक पोर्शन ले लेंगे। आटा मेरा पहले से गूंदा हुआ था और फिर हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। और अब एक रोलिंग पिन के हेल्प से इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेल लिया है एक रोटी की तरह। अब हम इसको फिल कर देंगे हमने जो मिक्सर रेडी किया था ब्रोकली और बाकी की चीज़ों से, ज़्यादा नहीं भरेंगे। और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए इसके मुंह को बंद कर देंगे। इस तरीके से आप भरेंगे तो आपकी रोटी फटेगी भी नहीं और बाहर मसाले भी नहीं आएंगे। अब फिर से हमें इन्हें बेल लेना है। तो सॉफ्टली हम धीरे धीरे बेलेंगे, प्यार से बेलेंगे। अगर आपको आटा और लगे तो इसमें डस्ट कर सकते हैं इसे बेलने के लिए। बस इतना ही हमें बेलना है, बहुत मोटा बहुत पतला नहीं। और अब हम इसे सेक लेंगे। तो तवा जब गर्म रहे तब हम रोटी को उसके ऊपर डाल देंगे और इसे दोनों तरफ तेल लगाते हुए हमें गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे घी का या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे सेकने के लिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका भी टेस्ट आपको पसंद है। और इसे दोनों तरफ हम लगाएंगे और लगाते हुए हम इसे सेक लेंगे मीडियम फ्लेम में। बहुत हाई फ्लेम में नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये थोड़ा कच्चा रह जाएगा। इसे मीडियम फ्लेम में ही सेकेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे एक तरफ रख लेंगे और बाकी के पराठों को भी हम सेम तरीके से सेक लेंगे और इन्हें एक तरफ रखते जाएंगे। तो दोस्तों सारे ब्रोकली पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इसे बनाइए और सारे पराठों का
टेस्ट एक ही पराठे में पाइए। बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।